4 साल पहले स्प्रे गॉड कम्युनिटी में कोई जानता भी नहीं था, ठीक है। और उस टाइम पे अगर तुमने जॉनाथन का नाम लिया, आइडल बोलना चाहिए किसको नहीं बोलना चाहिए, क्या होता है आइडल क्या नहीं होता है। तो जब अक्ल आती है इंसान को, या जब पता चलता है क्या नहीं है, किस वर्ड की क्या अहमियत है, किस वर्ड को किस वे में बोला जाता है। और गाइस नेक्स्ट हम लोग, बट एक मिनट, 4 साल पहले बोला था, बच्चा था। नहीं भाई, 4 साल पहले स्प्रे गॉड कम्युनिटी में कोई जानता भी नहीं था, ठीक है। और उस टाइम पे अगर तुमने जॉनाथन का नाम लिया, मोस्ट ऑफ द पीपल टेक हिज नेम ओनली बिकॉज ही वाज समथिंग पीपल वर लुकिंग अप टू, उसके जैसा बनना चाहते थे क्योंकि वो बंदा उस टाइम पे पीक में था। बट अभी आप ये नहीं पूछ सकते हो कि उस टाइम पे अकल नहीं थी तो उसका नाम लिया था। यार ये भी तो बोल सकते हो ना कि अब टाइम के साथ आइडल चेंज हो गया, अब मैं उसके लेवल पे पहुंच गया हूँ एंड ऑल्सो नाउ माय आइडल हैज चेंज्ड। ऐसे आप डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर सकते ना कि भाई उस टाइम पे आइडल बोला था क्योंकि समझ नहीं थी। करने वाले हैं एड भाई गॉड लाइक टीम क्यों चेंजेस लाएगी जब भाई वो इतने चेंजेस करने के बाद फाइनली एक लाइन इवेंट पहुंच पाए, वो भी ऑफिशियल किया और उसमें भी थर्ड आए। मेक्स नो सेंस। सभी बंदों ने अच्छा परफॉर्म किया। सिम प्लेड गुड, एडमिनो प्लेड गुड, पंक प्लेड गुड, जॉनदन प्लेड गुड। एडमिनो और जॉनदन तो भाई टॉप ब्रैकेट्स की लिस्ट के अंदर थे। सिम क्लच के टाइम पे पैनिक सिचुएशन में क्लच कर रहा है, अच्छे से प्रेशर हैंडल कर पा रहा है। और पंक ऑलरेडी अच्छी आइजोलिंग कर ही रहा है जैसी टीम गॉड लाइक को चाहिए थी। तो चेंजेस क्यों आएंगे? मेक्स नो सेंस टू एड दिस फकिंग न्यूज़। अभी दिया क्या बता उससे। तो लगा था पंक बहुत बक है, ठीक है। मुझे मतलब जितना आज तक मैंने इसको, मैं ऑफलाइन में इससे नहीं मिला हूँ, तो ऑनलाइन में मैं जितना भी देखा हूँ ना, मेरे को हमेशा से लगता था पंक, बट ये बहुत शांत बंदा है भाई, इज इंट्रोवर्ट मैन। जस्ट लाइक